गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई शिफाली फ्रॉम डिप्स ब्लूमिंगडेल्स। एज वी हैव रेड चैप्टर नंबर 7, दैट इज वर्च्यूज एंड वैल्यूज, टूडे वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। वेयर डिड ब्राह्मण फाइंड टाइगर? वॉट डिड द टाइगर से टू ब्राह्मण? इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन आस्क्ड दैट वेयर द ब्राह्मण हैड फाउंड टाइगर, तो वो उसे कहाँ मिला था? इन द फॉरेस्ट, व्हेन ही वॉज मूविंग अराउंड द फॉरेस्ट देन ही फाउंड द टाइगर इन द केज। व्हाट डिड द टाइगर से टू ब्राह्मण? क्या बोला था उसने? ही आस्क्ड और ही प्लीड हिम टू सेट हिम फ्री फ्रॉम द केज। सो आंसर इज ब्राह्मण फाउंड टाइगर इन द फॉरेस्ट। टाइगर सेड ब्राह्मण टू लेट हिम आउट ऑफ द केज, कि वो जिस केज में था, पिंजरे में था, उसे उसमें से बाहर निकाल दिया जाए। सेकेंड क्वेश्चन इज वाई डिड ब्राह्मण एग्री टू फ्री टाइगर, कि वो उसे आज़ाद करने के लिए तैयार क्यों हो गया, क्यों हुआ था? क्योंकि पहले टाइगर ने उसकी बहुत ज़्यादा प्रेज की, दैट ही सीम्स टू बी अ जेनरस एंड वेरी इंटेलिजेंट, सो ही विल नॉट लेट हिम बी इनसाइड द केज लाइक द क्रूअल वंस हु हैड सेट हिम इन द केज। सो ही आस्क्ड कि वो उसको निकाल दे, तो ही गॉट एग्रीड बिकॉज टाइगर हैड ऑल्सो प्रोमिस्ड दैट ही विल सर्व हिम फॉर द होल ऑफ द लाइफ। तो व्हाट इज़ द आंसर? ब्राह्मण एग्रीड टू फ्री टाइगर बिकॉज टाइगर प्रोमिस्ड हिम टू सर्व फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वॉज ब्राह्मण्स लास्ट विश, कि जब एज वी हैव रेड इन द स्टोरी दैट व्हेन ब्राह्मण सेट हिम फ्री फ्रॉम द केज टाइगर वॉज रेडी टू ईट हिम, ही वॉज केयर्ड एंड वॉट ही आस्क्स फॉर द लास्ट विश दैट ही शुड गेट अ फेयर ओपिनियन, कि वो लोगों से जाके पूछे कि मैंने टाइगर की मदद की थी और वो मुझे खाना चाह रहा है, इज़ इट फेयर और नॉट। सो ब्राह्मण्स लास्ट विश वॉज टू आस्क फॉर अ फेयर ओपिनियन। फोर्थ क्वेश्चन इज वॉट डिड टाइगर एंड बेफलो टेल ब्राह्मण, as tiger was ready for the last wish, so brahman first went to the tree and then to the buffalo. So what they had said, they both had said that the tiger should eat the brahman, but what plea they have given, that the tiger said that he is serving whole of the country, whole of the world since many years, but no one thanks him, so there is nothing fair in the world, so tiger should eat him. In the same way, what buffalo said, he said that when he was young and he was giving milk, then his master was giving him the choicest food, the best food, and now when he is old, he is being given leftovers. In that case also, world is not fair, so in that way, in short, the tiger should eat the brahman. Let's see the answer. The tree said that world is not fair. He helps all kinds of birds and animals, but no one thanks him. So in short, tiger would eat brahman. In the same way, what did buffalo said? Buffalo said that nothing is fair, as when he was young, he was fed with the choicest of the food, but now as he is old, he is given only leftovers. So according to him, the tiger would have eaten Brahman by then, ki tab tak use kha lena chahiye tha. Question number 5 is How did Jekyll help Brahman? अब जैकल जो था उसने ब्राह्मण की हेल्प कैसे की थी?
he trapped the tiger in his words that I don't know, I am not understanding that how it can be possible as I have only seen birds in the cages, not the tigers. So how it happened? So when the tiger got irritated, he tried to show him, and when the tiger got in the cage, he just slammed down the shutter. So answer is, the jackal helped Brahman by tracking tiger in his words and again putting him in the cage. I hope it's clear to you. We'll meet tomorrow. Till then, take care. Have a nice day.